120 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट। महोदय, घर चाहे जितना भी छोटा हो, किंतु जब तक उसके आसपास के घर भी समान आकार के होंगे, तब तक छोटे घर की आर्थिक सामाजिक इच्छाएं, महत्वाकांक्षाएं पूर्ण हो सकती हैं। परंतु जैसे ही छोटे घर के पास एक बड़ी हवेली बन जाती है, तो छोटा घर अपने मालिक की समाज में कम मांग और सीमित अधिकारों के बारे में स्थिति स्पष्ट करता है। लेकिन परिवर्तन और विकास प्रक्रिया के अनुसार वह छोटा घर बड़े घर में परिवर्तित हो जाता है, किंतु हवेली महल बन जाती है। इस परिस्थिति में जब जाहिर हो जाता है कि तब छोटे घर की उन्नति का कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा और छोटे घर का मालिक स्वयं को उपेक्षित, संकुचित, असंतुष्ट और तुच्छ महसूस करेगा। हमारे अर्थशास्त्री मार्क्स इसी स्थिति के असंतुलन को दूर करना चाहते थे, किंतु उन्हें भी यह स्वीकार करना पड़ा था कि श्रम और पूंजी के हित एक हैं, किंतु अधिकार भिन्न भिन्न हैं। पूंजी यदि श्रम को काम ना दे तो श्रम चला जाएगा, और यदि पूंजी श्रम पर शासन ना किया जाए तो पूंजी का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इसलिए यह आवश्यक है कि पूंजी श्रम पर अपना स्वामित्व कायम करे। पैराग्राफ चेंज। मानव अधिकारों के उल्लंघन की समस्या व्यक्तिगत रूप से हल की जा सकती है, किंतु संपूर्ण रूप से नहीं, क्योंकि किसी भी स्थिति, बिंदु, विषय और वस्तु का संज्ञात्मक बोध हो जाने पर हम उस स्थिति से, बिंदु से, विषय से और वस्तु से मुक्त हो जाते हैं। जैसे ही हमें परतंत्रता का बोध होता है, हम परतंत्रता से मुक्त होकर स्वतंत्र हो जाते हैं। अमृतत्व का बोध होते ही हम जान लेते हैं कि मृत्यु सिर्फ एक स्थिति है, अंत नहीं, और जिसका अंत नहीं हो अमर है। मानव अधिकारों के बारे में उल्लंघन का बोध हो जाने पर इन उल्लंघन के प्रति विद्रोह कर इस कमजोरी से मुक्त हो जाते हैं और अपने अधिकारों का प्रयोग करते हैं। किंतु वैश्विक तौर पर जब तक मानवीय विचारों के माध्यम से महत्वाकांक्षा, नेतृत्व की भावना, असत्य के प्रति राम की प्रक्रिया चलती रहेगी, तब तक मानव अधिकारों का उल्लंघन होता ही रहेगा और हम उल्लंघन करने को बाध्य हो जाएंगे। पैराग्राफ चेंज। अध्यक्ष महोदय, मैं यह संकल्प प्रस्तुत करता हूँ। यह सदन केंद्र सरकार से अनुरोध करता है कि मध्य प्रदेश में निवासरत नमोशूद्र क्षेत्रीय झालों मालों को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल किया जाए। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा प्रथम प्रश्न यह है कि जब बांग्लादेश विभाजन हुआ था, उस समय विस्थापित उक्त जातियों को मध्य प्रदेश में भी बसाया गया था, लेकिन उन्हें अनुसूचित जाति वर्ग में शामिल नहीं किया गया है। उक्त जातियों को शामिल करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा गया था, परंतु आज तक दिल्ली से कोई निर्णय नहीं हुआ। वर्तमान स्थिति में वर्णित जातियों को पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मणिपुर, मिजोरम, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश में अनुसूचित जाति में सम्मिलित किया गया है। इस संबंध में छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में भी इसी प्रकार का संकल्प पारित किया जा चुका है। इसी प्रकार से इस सदन में यह संकल्प सर्वसम्मति से पारित किए जाने में हमको कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। प्रश्न यह है कि यहाँ पर यह सदन केंद्र सरकार से अनुरोध करता है कि मध्य प्रदेश में निवासरत विस्थापितों को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल किया जाए। अन्य प्रदेश की भांति मध्य प्रदेश में जातियाँ जिनको आरक्षण का लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है, उन्हें शामिल किया जाएगा तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। इस प्रकार संकल्प पारित किया जाए।
इस प्रकार यह संकल्प प्रस्तुत हुआ। पैराग्राफ चेंज। परिवहन मंत्री ने सदन में बताया कि माननीय सदस्य ने जो संकल्प रखा है विभाग प्रस्तुत किए गए संकल्प से सहमत है। मुझे ऐसा लगता है कि यह सदन भी पूरी तरह से सहमत होगा, इसलिए आज यह सदन भारत सरकार से अनुरोध करता है कि भोपाल दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस में सामान रखने हेतु अतिरिक्त रैक लगाया जाना चाहिए। संकल्प सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ। जिस प्रकार से रेल किराए में वरिष्ठ महिलाओं को 50% छूट दी जाती है, उसी प्रकार से वरिष्ठ पुरुषों को भी समान रूप से दी जानी चाहिए। संकल्प प्रस्तुत कर्ता सदस्य की अनुपस्थिति के कारण प्रस्तुत नहीं किया गया। अध्यक्ष जी द्वारा अपराह्न 7:15 बजे विधानसभा की कार्यवाही सोमवार प्रातः 10:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।